Hi guys, good evening. This is Imtiaz Khan. Welcome to my YouTube channel Hotel Career. Guys, आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा हेरिटेज होटल के बारे में. ऑलरेडी मेरा दो एपिसोड आ गया है हेरिटेज होटल लेके. आज मैं एक हेरिटेज होटल होटल रामबाग पैलेस जयपुर ये लेके आप लोगों के सामने बात करूंगा. ये ताज रामबाग पैलेस ये आपका जयपुर राजस्थान में है. नॉर्मली ये रामबाग पैलेस जो है उसी टाइम का राजा मानसिंह का टाइम पे और मधु सिंह का टाइम पे इसको गार्डन हाउस बनाया गया. गार्डन में एक हाउस बनाया गया था. वो गार्डन हाउस नॉर्मली रानी के लिए उसी टाइम क्वीन एक गार्डन हाउस बनाया था उसका आज इन 1937 बाद में इसको महाराजा मधु सिंह ने इसको कन्वर्ट किया गेस्ट हाउस और लॉजिंग के हिसाब से. स्टे गेस्ट हाउस और लॉजिंग के हिसाब से कन्वर्ट किया. फिर इन फ्यूचर ये आपका फिर 1887 इसको आपका स्टेट गेस्ट हाउस में कन्वर्ट किया. फिर 1910 में रामबाग पैलेस को कंप्लीटली कन्वर्ट किया था एक स्कूल में. स्कूल में ऐसा ही होता था आपका फ्यूचर किंग और एरिस्टोक्रेट फैमिली ऑफ जयपुर वो लोग का किड्स वो लोग का लड़का लोग को स्टडी के लिए उसको स्कूल में कन्वर्ट किया था 1910 में. ये अपना मानसिंह महाराजा मानसिंह का टाइम पे. फिर क्या हुआ मानसिंह एक्चुअली आपका मिलिट्री कॉलेज से पास आउट किया था. महाराजा मानसिंह मिलिट्री कॉलेज से पास आउट किया इसीलिए इसका इनिशियल था ये इसको स्कूल बनाने के लिए. तो स्कूल बनाते 1910 में. फिर नेक्स्ट आपका 1933 में इसको स्कूल को जो है मानसिंह खुद उस घर में शिफ्ट हो. 1925 में महाराजा मानसिंह टू उसको आपका रेसिडेंस रिनोवेट करके उसको आपका रेसिडेंशियल बना दिया. तो रेसिडेंशियल बना दिया था उसको प्रिंसिपल रेसिडेंस या प्रिंसिपल हाउस बोल के बोला जाता था. फिर 1933 में कंप्लीटली वो सिटी पैलेस से आपका इसमें रामबाग पैलेस में शिफ्ट हो गया. ये था आपका मानसिंह जो शिफ्ट होने का रीजन और घर जो है आपका गार्डन हाउस से कैसे आपका शिफ्ट हो गया आपका गेस्ट हाउस देन स्कूल उसके बाद आपका शिफ्ट हो गया मानसिंह का रेसिडेंशियल इसे रेसिडेंस ऑफ महाराजा जयपुर मानसिंह. तो इसमें शिफ्ट होने का बाद 1938 में महाराजा मानसिंह जब शादी किया गायत्री देवी तो शादी से पहले ये घर को अच्छी तरह रिनोवेट किया था एंड पैलेस की तरह बनाया था. रूम भी अच्छी तरह बनाया था एक फॉरेन आर्किटेक्चर को देखे वेल डेकोरेट करके बनाया था. उसमें एक रूम बनाया था स्वीट जो आज का दिन में फेमस है महारानी स्वीट बोल के. वो महारानी स्वीट आफ्टर मैरिंग गायत्री देवी को गिफ्ट किया गया था. ये था आपका उस रूम में कैसा आपका स्लोली स्लोली होटल में कन्वर्ट हो रहा है. नॉट लाइक होटल स्लोली स्लोली वो कैसे होटल का बराबर में आ रहे है. तो रूम अच्छी स्वीट रूम बना दिया. रूम ड्राइंग रूम एवरीथिंग उसमें एकोमोडेट होने लगा. उसके बाद क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस को मानसिंह आपका बन गया गवर्नर बनने के बाद वो बन गया था आपका गवर्नर हाउस. फिर उसके बाद 1957 में इसको अब मानसिंह महाराजा मानसिंह ने इसको होटल बनाने के लिए प्लान किया था एंड 1972 में इसको ताज को हैंडओवर दिया गया. ताज इसको होटल में कन्वर्ट करके 5-star होटल बना के इसमें होटल चला रहे. ये था आपका रामबाग पैलेस का हिस्ट्री. रामबाग पैलेस नॉर्मली जयपुर राजस्थान में है. ये होटल ताज ये होटल रन बाय ताज ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स. तो इसमें आज का तब भी था जो का सेलिब्रिटी लोग का आपका क्राउडेड था. जितना भी फॉरेन गेस्ट जैसा बोलिए आपका लॉर्ड माउंटबेटन एडविन माउंटबेटन जितना भी आपका उसी टाइम का फॉरेनर था आते रहता था. आज का दिन में भी आपका स्पोर्ट्स होने से स्पोर्ट्स कोई भी मैच अगर आपका जयपुर में होता है
तो इसी स्पोर्ट्स के लिए ये पहले सिलेक्ट किया जाता है, कोई भी फॉरेन ट्रेवलर आने से इस होटल को पहले सिलेक्ट किया जाता है। तो गाइस ये मेरा आज का वीडियो था, और इसीलिए इस होटल को ज्वेल्स ऑफ जयपुर बोल के भी बोला जाता है, ज्वेल्स ऑफ जयपुर, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे फेमस आदमी का क्राउडेड होता है, सभी इस होटल को प्रेफर करते हैं रहने के लिए। गाइस ये मेरा आज का वीडियो था होटल ताज रामबाग पैलेस लेके, जो मानसिंह का महाराजा मानसिंह टू का टाइम के बनाया गया था, ये आज का दिन में कैसे होटल में कन्वर्ट हुआ, ताज होटल इसको रन करवा रहा है, उसके अंदर ताज उसका होटल का जो पॉलिसी है उस हिसाब से अपना इंटीरियर चेंज किया, उस हिसाब से आपका होटल की तरह उसको बना के अभी होटल में रन करवा रहा है। ये मेरा आज का वीडियो था, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपना दोस्तों भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।